हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन प्रथम मूल्यांकन कक्षा 10 विषय गणित के जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है उसका क्या देखने वाले हैं भाई, हल देखने वाले हैं। ठीक है, 20 नंबर का ये पेपर हुआ था। ठीक है, ये सामान्य निर्देश थे छात्रों के लिए। 20 प्रश्न हैं इसके अंदर, प्रत्येक प्रश्न कितने एक नंबर का है। ठीक है, आज अपन पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर के शून्यंक p और q हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, है ना, दो हो जाएगा। दूसरा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 21 के शून्यंक क्या है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, माइनस सात और तीन इसके क्या हो जाएंगे, शून्यंक हो जाएंगे। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट के शून्यंक क्या हो गए, इसमें भी आपको शून्यंक ज्ञात करना है तीसरे में भी। तो तीसरे वाले का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अ, यानी दो और चार। ठीक है, बात करते हैं चौथे की, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, अधिकतम संख्या क्या होती है शून्यकों की, तो आपसे पूछी गई है। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा ब, कितनी होनी चाहिए अधिकतम संख्या, दो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले का ब, दूसरे का ब, तीसरे का अ, चौथे का ब। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आपको, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पांचवा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ब, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, चलिए यदि सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक हैं तो p गुणा q का मान ज्ञात कीजिए। तो सिक्स्थ का सही आंसर हो जाएगा स, सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए सेवन क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यंक क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सेवन का सही उत्तर हो जाएगा ब, माइनस पाँच और पाँच निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यंक हैं। ठीक है, आठवां जो प्रश्न है वह है, द्विघात बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर के शून्यंक क्या है, तो इसमें इस आठवें का सही उत्तर हो जाएगा माइनस एक और चार बट्टा तीन, यानी ब आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पांचवे का ब, छठे का स, सातवें का ब, आठवें का ब। ठीक, चलिए नवा प्रश्न आपको दे रखा है, नवा प्रश्न आपको दे रखा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक चार और माइनस चार हैं। तो आपको इस बार द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको शून्यंक दे रखे हैं। ठीक है, तो नवा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, नवे का अ आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, दसवां प्रश्न आपको क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। दसवां प्रश्न है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और माइनस 3 है। चलिए, तो दसवें का सही उत्तर हो जाएगा अ। ठीक है, ग्यारहवां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है, तो आपसे इस बार ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इनमें से पूछा गया है कि द्विघात समीकरण कौन सा है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस आठ बराबर माइनस सेवन एक्स माइनस आठ। ठीक, बारहवां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि हम जानते हैं कौन कौन सी है भाई, बारहवें का कौन सा हो जाएगा द। ये सारी ही विधियां जो है, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और द्विघात सूत्र, ये सबके सभी क्या हैं, एक द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स का 12 को हल करें, ये जो समीकरण दे रखा है इसको हल करना है, तो हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 और 2 आएगा भाई आपके आंसर। तो आप देख सकते हैं, दसवें का अ, ग्यारहवें का स, बारहवें का द, तेरहवें का द। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन आपका,
14 क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बीस को हल करें, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास स। इसको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो 5 माइनस 4। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है वो आपको देखना है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा स। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, बाकी जो शेष कथन हैं वो असत्य हैं। 16 प्रश्न है, 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक यानी SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, 16 का सही आंसर हो जाएगा ब। इसी सा प्रश्न है। 17 क्वेश्चन है, 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक यानी SCF ज्ञात कीजिए, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 5 जब आप इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन की, तो 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, सबको आने चाहिए यानी प्राइम फैक्टर करने हैं इसके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे अ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से आपसे पूछा गया है, तो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएँ हैं। नेक्स्ट है, दो तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 20वें का सही उत्तर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है ताकि इसी प्रकार की जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।